भाई एक और वीडियो देखती है शेयर कर देना। एक माता जी, कितने साल की हो आप? 45 साल की माता जी कूड़ा चुग रही है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। माता जी इसको रखना नीचे पर, जितना उसका वीडियो शेयर करना, देखो कितना कूड़ा कबाड़ा चुग रही है एक माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। कितने साल के बच्चे आपके? दो दो तीन साल के? एक 5 साल का है, एक 7 साल का। अपने भाइयों से एक ही बात कहूंगा, इस वाली वीडियो को इतना शेयर करना ताकि ये वाली वीडियो पूरे हिंदुस्तान में जाइए जाए। एक माँ, गरीब माँ, देखना माँ की शक्ल। माँ प्रॉब्लम क्या आपको? आपको प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि चूहे भी नहीं थे, बच्चा का पाली थे। कितने कमाती है दिन में? दिन में 100 हजार, 200 हजार। 100 हजार, 200 हजार, फिर बच्चों खिलाती हो? 2000 के रावे चला जाए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते भैया। क्या करते हैं? उनका तबीयत नहीं ठीक रहता, तबीयत खराब रहती है। भाइयों देखती है शेयर करना अगर आप लोग अपनी माँ से प्यार करते हो, क्योंकि एक माँ की बात है। देखो ठंड का टाइम है, कितना अंधेरा हो रहा है, मौसम कितना खराब है, पर ये माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रोड पे भीख मांग रही है और ये कूड़ा चुग रही है। इस माँ को सपोर्ट करना है ज्यादा से ज्यादा। जुग्गी वगैरह आपकी? जुग्गी है यहाँ। जुग्गी में रहती हो? किराया कितना है आपका मकान? 2000। किराया कैसे भरते हो आप? यही में सच बैठ थे। ऐसे करते हो? आपका नाम क्या है? हमारा नाम है रईसा बानो। रईसा बानो, आपको माँ जी हम सपोर्ट करेंगे जितना होगा हमारे से। एक बुढ़िया माँ जिसकी उम्र इतनी ज्यादा अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना इन जैसी माताओं को सपोर्ट कर। हम एक बार माँ की आप लोग हालत देखना, कैसी है माँ की हालत। जितना होते है भाई शेयर करते रहना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी माताएं घूमती है और बहुत सी बहनें ऐसी घूमती है जिन्हें हमारे जैसे भाइयों की आवश्यकता होती है, पर इनको कोई सपोर्ट नहीं करता। वरना आधी रात में ऐसी माताएं घूम रही है, किसी वजह से घूम रही होगी। माता जी आपको ठंड वगैरह नहीं लगती? लागत है भैया, ठंडी तो लगते है भाई। कपड़े उपड़े आपके पास सर्दियों के? नहीं या कपड़ा उपड़ा इन्हीं कपड़ों में। एक बार भाइयों माँ की हालत देखना आप लोग, चप्पलों में कैसे घूम रही है, कैसे माता जी कट्टा लेके टूटी हुई चप्पल में एक माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सड़क पे कैसे घूम रही है, ताकि मैं 100-150 रुपए कमा लूं और अपने बच्चों को जा कुछ खिला लूं। आपके बच्चे भूखे मरते कई बार? हाँ बच्चा भूखा मरा था मैं बच्चा। खाने पीने को कैसे मिलता उनको? खाने में ये ले जावे तो कम आटा लावे तो चावल लावे तो पकाओगे, ऐसी होता है। हाँ। खाना मैंने टाइम पे नहीं मिलता? नहीं टाइम। हम आपको सपोर्ट करेंगे जितना हमारे से हो पाएगा, हम इस माता को सपोर्ट करेंगे, घर बनवाएगा माता जी का, कपड़े देगा, बच्चों का अच्छा स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, और जितने पैसे की सपोर्ट होगी 1,00,000, 1.5 लाख, 10 हजार, थारा भाई जोगिंदर सपोर्ट करेगा दिल जान से, क्योंकि ये हमारी माँ के बराबर है, एक माँ के समान है हमारी। कल को अगर हमारी माँ ऐसे घूमे तो शायद हम नहीं दे सकते 1% भी कि हमारी माँ ऐसे रोड पे क्यों घूम रही है। हमारा कर्तव्य बनता है भाइयों, पूरे हिंदुस्तान का कर्तव्य बनता है ऐसी माँ को सपोर्ट करने का। वीडियो इसलिए बनाइए क्योंकि हिंदुस्तान में आप लोगों को सर्दी के टाइम में ऐसी माता बहुत दिखेगी रोड पे घूमती हुई। आप लोग सपोर्ट करो, आप लोग शेयर करो, ऐसे गरीब लोगों को सपोर्ट आप लोग करो, क्योंकि अगर आप लोग इकट्ठे हो गए, एक साथ हो गए, ऐसी बहुत सारी माताएं जो घूमती है उनको सपोर्ट मिल जाएगी। इधर दिखो भाई, उनको सपोर्ट मिल जाएगी और उनका भी घर का खर्चा चल जाएगा, उनके लिए भी रहने के लिए कुछ मिल जाएगा। चप्पल तक नहीं है माता जी के पास, देखने पर चप्पल तक नहीं है। देखो कैसे घूम रही है, कबाड़ा चुकती हुई माता जी। माता जी कोई सपोर्ट नहीं करता, रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं है मेरे भैया? किसी को बोला है सपोर्ट के लिए? नहीं बोला, कहूं जाने से बोला। क्या बोले? मालिक है वो भी से बोला, तो बोला नहीं मैं किराया लूंगी, मैं उनका ना लियो बस। अच्छा। तो बोला नहीं यार, इन माँ के पास भरने के लिए किराए तक के पैसे नहीं होते। दिन में कम से कम 100-150 रुपए कमाते हैं, 100-150 रुपए कहाँ से अपने बच्चे पाले, कहाँ से उनको पढ़ाए, कहाँ से उनका किराया भरे। फिर अक्सर कई बार लोग ये बोल देते हैं कि ये लोग जो रोड पे भीख मांगते हैं ये ऐसी मांगते हैं, यार ये लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा देश में कितने करोड़ों की जनसंख्या है, अगर हर रोज एक एक आदमी अगर एक एक रुपया इनको देखा जाए तो सोचो हमारे देश में ऐसे कितने सारे गरीब हैं जिनको सपोर्ट मिल पाएगी। ऐसी कितनी माताएं हैं जिनको उनके बच्चों का आराम से पालन पोषण कर पाएगी, घर मिल पाएगा उनको। हमारा कर्तव्य बनता है, पूरे हिंदुस्तान का कर्तव्य बनता है, जो हमारी भारत सरकार कर रही है, हमें कंधे से कंधे मिलाने का फर्ज हमारा, इनको सपोर्ट करें। एक बार माता जी के भाइयों हालत देख लेना कितनी खराब है, फुटपाथ के साइड में भीख मांगती है माता जी और कूड़ा चुगती है माता जी। अगर आप लोग अपनी माँ से प्यार करते हो, अगर आप लोग 1% भी अपनी माँ से प्यार करते हो ना भाइयों, वीडियो शेयर कर देना इस माँ के लिए, इस माँ की सपोर्ट रहेगी 2-3%। हम इतना ही कर सके, कर्तव्य आप लोगों का पूरा करना या ना करना। कहाँ पर रहते हो आप? सतबड़ी में रहते भैया, इधर पर। अच्छा। बीरित फार्म के पीछे। कोई फोन नंबर वगैरह आपके पास?
हमारे पास नहीं है, फोन नंबर तो है। कोई नंबर वगैरह नहीं है? है तो, लेकिन हमारे लड़की के लगे है। लड़की वगैरह नंबर है? हाँ। फोन पे वगैरह चलाते हो आप? हम जानते नहीं, चला नहीं जानते। अगर जिस भाई को भी इस माता की मदद करनी हो भाइयों, मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना। सारे भाई मिलकर एक साथ मिलकर इस माता के लिए एक छोटा सा घर बनवा देंगे, इनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, और काफी चीजें कपड़े से लेकर चप्पल जूते हम सब भाई मिलकर इनको दे सकते हैं। बहुत ज्यादा हालत खराब है एक माँ की, हालत देखना आप लोग। जितना हो उसके भाइयों वीडियो शेयर करना ज्यादा से ज्यादा।